कहानी का नाम है जैसे को तैसा। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में फॉक्स और स्टॉर्क दोनों पड़ोसियों जैसे रहते थे। फॉक्स जो थी वो बहुत ही चालाक थी और दूसरों को परेशान करती रहती थी। एक दिन उसने सोचा स्टॉर्क को परेशान किया जाए। उसने पूछा, स्टॉर्क आप कैसी हैं? स्टॉर्क ने बोला, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। फॉक्स बोली, मैं भी ठीक हूँ, मैं आपको यहाँ इनवाइट करने के लिए आई हूँ। स्टॉक ने बोला, पर आज तक कभी मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया, पर ओकेजन तो बताइए। तो फॉक्स बोली कि मेरे जन्मदिन पर मेरे सभी जानने वाले वहाँ होंगे, आप आएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। स्टॉक ने बोला, बिल्कुल मैं आऊँगी। फॉक्स ने कहा, आइएगा, मैंने चिकन सूप बनाया है। इतना कहकर फॉक्स वहाँ से चली गई। मिस फॉक्स पार्टी के लिए तैयारी कर रही होंगी, अब मुझे चलना चाहिए। ओह हेलो मिस फॉक्स, हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया शुक्रिया मिस स्टॉक, आइए आइए अंदर आइए, डिनर तैयार है। सच में खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, चलिए चलते हैं और डिनर करते हैं। वाओ। ओह मिस स्टॉक, अब रुकिए मत, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, गर्मा गर्म सूप हम दोनों के लिए, चलिए पीते हैं। फॉक्स ने सूप पीना स्टार्ट किया, पर लंबी चोच होने की वजह से और सूप प्लेट में होने की वजह से स्टॉक नहीं पी पाई। स्टॉक को बहुत बुरा लगा और वह वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद स्टॉक का जन्मदिन था और वह स्टॉक जो थी वह फॉक्स को इनवाइट करने के लिए गई। उन्होंने कहा, मेरा जन्मदिन है, क्या आप आएंगी? तो उन्होंने उन्हें इनवाइट किया। फॉक्स ने सोचा, मैंने स्टॉक के साथ इतना बुरा किया, फिर भी ये यहाँ आई है मुझे इनवाइट करने, चलो चलते हैं, इसके साथ थोड़ा और मज़ा लिया जाए। ओह ज़रूर मिस स्टॉक, मैं ज़रूर आऊँगी, आप कितनी अच्छी हैं। वैसे पार्टी कब है? अभी थोड़ी देर में, एक घंटे में। उम्मीद करती हैं कि आप बिजी नहीं होंगी। नहीं कुछ खास नहीं, स्टॉक ने कहा, तब तो ठीक है, जल्दी आइएगा, मेरी बहन चिकन सूप बना रही है और वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। आज तो बहुत बढ़िया दावत होगी और मैं शेर की तरह भूखी भी हूँ। अरे वाह, आपको देखकर यहाँ बहुत अच्छा लगा, चलिए चलते हैं, सूप बिल्कुल तैयार है। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, इस सूप की खुशबू तक तो मेरे घर तक आ रही थी, वाओ। स्टॉक ने बोला, चलिए हम सूप पीते हैं। लंबी चोंच होने की वजह से स्टॉक ने ग्लास में सूप पी लिया, लेकिन फॉक्स सूप नहीं पी पा रही थी क्योंकि वो ग्लास में था। फॉक्स को एहसास हुआ और उसने सोचा कि बड़ी बेवकूफ़ बनने से अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। ओह मिस स्टॉक, मैं तो स्टोव पे कुछ रख के भूल गई हूँ, मैं देखती हूँ कहीं वो जल ना जाए, मैं चलती हूँ। ओके मैं चलती हूँ। अरे अरे मिस फॉक्स, क्या आप सूप नहीं पिएंगी? सूप पी लीजिए। ओके, सो जैसे कि हमने अभी अपनी स्टोरी में देखा कि फॉक्स जो थी और स्टॉक ने दोनों पड़ोसी थे और दोनों ने एक दूसरे को अपने घर बुलाया और अच्छा व्यवहार नहीं किया, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी बननी, पर हमें किसी के भी साथ में बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छे से पेश आना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस कहानी की सीख यह है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें हमेशा सत्य
के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स कि आप अपने घर पे यही करेंगे, किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। आई होप यू ऑल हैव लाइक द स्टोरी एंड थैंक यू एवरीवन।